हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो। गाइज, आज आप लोग को बताने वाला हूँ रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, रेडमी नोट 10 प्रो दोनों के लिए सेंसिटिविटी पबजी मोबाइल आफ्टर 2.2 अपडेट। यहाँ पर देखो कि 2.2 का जो है आपको सारा कुछ अपडेट यहाँ पर आ चुका है, सब कुछ न्यू थीम वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ग्राफिक्स और ऑडियो पर जाएंगे, यहाँ पर मेरे पास से आपको रेडमी नोट 10 प्रो, तो रेडमी नोट 10 प्रो में आपको मिल जाता है स्मूथ ग्राफिक्स से 40fps यानी अल्ट्रा का ऑप्शन देखने को मिलता है। बैलेंस पे भी अल्ट्रा मिल जाता है, HD पे हाई, HDR पे भी HDR का तो ऑप्शन ही देखने को आपको फ़ोन में नहीं मिलता है। तो मैं रखूँगा आज बैलेंस पे, अल्ट्रा पे रखता हूँ। एंड यहाँ पर ऑडियो पे चलेंगे तो ऑडियो आपको हाई तक ही सपोर्ट करता है। यहाँ पर ऑडियो जो है बिल्कुल आपको अल्ट्रा वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सपोर्टेड नहीं है डिवाइस के अंदर में, समझ गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले ठोको अभी के भी लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्री ऑफ कॉस्ट एक मोटिवेशन के लिए। चलिए भाई, आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए क्योंकि जानते सभी अभी सब जानते हो कितना ज़्यादा हेल्प करता हूँ इंस्टाग्राम पर। अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हो इंस्टाग्राम पर DM जरूर कर देना, ओके, मैं आपको हमेशा रिप्लाई भी करूँगा, हेल्प भी करूँगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन देखो अब यहाँ पर मैंने क्या क्या रखा हुआ अटैचमेंट्स, यहाँ पर देख लो, वर्टिकल फोर्ड ग्रिप रखा हूँ, कैपेसिटर रखा हूँ एंड स्टॉक्स रखा हूँ, मैग वैग जो भी यहाँ पर देख सकते हो। वर्टिकल फोर्ड ग्रिप की जगह पर आप हाफ ग्रिप का भी यूज़ कर सकते हो, समझ लीजिए आपका पर्सनल चॉइस है। सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पर क्लोज कॉमवार से। देखो पूरी वीडियो देखो तभी जाकर के आपको वीडियो समझ में आएगी, किस कोड लेने से काम नहीं चलेगा क्योंकि हो सकता है कि कोड आपका एक्सपायर हो जाए, समझ गए। कोड तो दूंगा ही, बट अगर आप एक्सपायर हो जाए तो खुद से सेंसिटिविटी कैसे डिजाइन कर सकते हो, मिला सकते हो, क्योंकि सेंसिटिविटी डिवाइस के साथ साथ हैंड के ऊपर भी डिपेंड करती है। हर बंदे की सेंसिटिविटी हैंड की अलग अलग होती है, समझ गए। अब ये सेंसिटिविटी मेरे हैंड के ऊपर में अगर सूट करी तो जरूरी नहीं कि आपके हैंड के ऊपर में सूट ही करे, क्योंकि सेंसिटिविटी में क्या होती है, 2 finger, 4 finger, 3 finger जितने भी फिंगर खेलते हो सबकी सेंसिटिविटी अलग अलग होती है यहाँ पर। तो आपको जो पहले वाली सेंसिटिविटी थी वो गलत थी, अभी न्यू वाली कॉपी करोगे थोड़ी दिक्कतें आएंगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रखना पड़ेगा पेशेंस, तभी जाकर सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी बनने वाली है, समझे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्लोज कॉम्बैट, क्योंकि गाइस क्लोज कॉम्बैट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए। जैसे हिप फायर, जिगल विगल जो भी होता है यहाँ पर, थर्ड पर्सन नो स्कोप सेंसिटिविटी यहाँ पर सबसे पहले चलेंगे, क्योंकि स्क्वाड को क्लच करने की सेंसिटिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो तो इस टाइप से जो है आपको यहाँ पर फास्ट जिगल करना, इस तरीके से आकर के तभी जा करके जो है आपका जो एम अच्छा खासा इंप्रूव होगा, क्लोज कॉम्बैट अच्छा खासा यहाँ पर इंप्रूव होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर प्रोन होकर के भी कर सकते हो, देन पिक, देन जिगल, चलिए। अब यहाँ मैं बात कर लेता हूँ आयरन साइट की। अब देखो भाई आयरन साइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए। जब भी आप लैंड करते हो कंटेनर वगैरह पे तो वहाँ पर आपको कोई भी गन नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आयरन साइट से ही काम चलाना पड़ेगा, समझ गए। अब देखो भाई पबजी ग्लोबल इंडिया में बैंड है, थोड़ा बहुत पिंग शू देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर देख पा रहे हो कि पिंग जो है बिल्कुल भी फ्लक्चुएट हो रहा है, यहाँ पर कभी रेड कभी ग्रीन, तो इस तरीके से थोड़ा सा पिंग इशूज की वजह से आपको लैग देखने को मिल रहा है। लैग की वजह से थोड़ा सा जो है कैमरा कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी बना के देने वाला हूँ, समझ गए। चलिए आयरन साइड भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट आपका रेड डॉट, बट यहां पर चलेंगे 3x के ऊपर में, एक बार क्या करता हूं गाइस यहां पर लॉन्ग स्प्रे कर लेता हूं, क्योंकि देखो क्लोज कॉम्बैट में आपको कोई भी रिकॉल देखने को नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही आप लॉन्ग स्प्रे करते हो वहां पर आपको रिकॉल देखने को मिलता है। तो मार्क करता हूं मैं यहां पर 400 मीटर पे, ओके, ये पूरा प्योर 400 मीटर है। अब यहां स्प्रे करते हैं एक बार, देखो
अब देखो यहाँ पर कोई भी पेड़ के पीछे अगर बंदा छिपा रहेगा तो इजिली यहाँ से नॉक हो जाएगा, क्योंकि स्प्रे आपके इतना अच्छा जा रहा है तो सामने वाला एनिमी जो 100% नॉक होना ही होना है, समझ गए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरा जो रिकॉइल है वो कितना कम है, 100% आपको जो है जीरो रिकॉइल यहाँ पर, तो कोई भी नहीं है, क्योंकि सेंसिटिविटी जो बनाकर दिखा रहा हूँ वो कोई कॉन्फिगर फाइल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, रियल बनाकर दिखा रहा हूँ, समझ गए। तो इसलिए थोड़ा बहुत माइनर रिकॉइल देखने को मिलेगा, वैसे भी ये डिवाइस है उतना कोई फ्लैगशिप भी नहीं है कि आपको रिकॉइल अच्छा खासा कंट्रोल हो जाए। चलो सिक सिक को यहाँ मैं बना रहा हूँ 3x पे, सेंसिटिविटी जो होगी वो अब 3x वाली ही वर्क करेगी, समझ गए। तो चलो गाइज यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, आप चलेंगे सेटिंग में, चलिए चलते सेटिंग में, यहाँ पर सारा सेटिंग को दिखाता हूँ। अब देखो भाई बेसिक वाली जो सेटिंग है ना, यहाँ पर मैं रखा हूँ स्कोप मोड होल्ड पे ताकि फास्ट स्कोपिंग कर पाओ, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस ये रहता है आपको इनेबल, इसको रखना आपको डिसेबल, ताकि आपको एमिंग करते दौरान कोई भी दिक्कत यहाँ पर फेस ना करना पड़े, समझ गए। उसके बाद नीचे यहाँ पर आएंगे जो पीक मोड आपको दिख रहा है, लीन मोड, इसको भी रखा हूँ होल्ड पे ताकि आपको जो लीनिंग होती है ना, ये वाली जो लीनिंग करती हो ये लिंक फास्ट कर पाओ, ओके इस तरीके से। एडवांस पे चलेंगे तो यहाँ पर जायरोस्कोप मैं रखा हूँ ऑलवेज ऑन पे, ओके गाइस। तो ये सेंसिटिविटी जायरो वाली ही है, विदाउट जायरो वाली नहीं है, विदाउट जायरो प्लेयर मैं नहीं खेलता हूँ, लेकिन अगर आप चाहो कमेंट करोगे तो मैं आपको अगली वीडियो में ट्राई करूँगा देने का, ओके। चलिए उसके बाद चलेंगे सेंसिटिविटी में, यहाँ पर देखो भाई ये आपको दिख रहा था प्रथम नोस्कोप कैमरा, यहाँ पर देख लो कितना पे रखना, क्योंकि इसका रिकॉइल से कोई लेन देन नहीं होता गाइज, ये अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, समझ गए। स्क्रीन का कैमरा जो भी दिख रहा है आपको इसका कोई रिकॉइल से कोई लेन देन नहीं, यहाँ पर देख लो कितना रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देख लो एडीएस, एडीएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लोग, ये तो स्क्रीन का जो एडीएस है ये आपको विदाउट जायरो पेड के लिए होता है, अगर आप इसको यहाँ से डिसेबल भी कर दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ गए। तो साइंस, तो उसके बाद चलेंगे जायरोस्कोप के ऊपर में, यहाँ पर जायरोस्कोप देख लो, टीवी भी एम थोड़ा यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं। देन आपको यहाँ पर सारा सेटिंग यहाँ पर देख लो, पहले यहाँ पर जायरोस्कोप कैमरा देख लो कितना पे मैंने रखा हुआ है, अब यहाँ पर देख लो मैंने कितना पे रखा हुआ है जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी को। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे यहाँ पर, तो अभी इस तरफ का देखोगे आप, देन यहाँ पर नीचे चलेंगे आपको जायरोस्कोप का एडीएस, ओके एडीएस जायरोस्कोप, उसके बाद इस तरफ का यहाँ पर देख लो कैमरा, यहाँ से चलेंगे अपलोड लेआउट पे क्लिक करेंगे, ओके क्लाउड लेआउट मैनेजमेंट जाकर के यहाँ पर फटाफट से आपको मैं कोड दे देता हूँ, ओके। तो गाइज ये थी आज की पूरी वीडियो, आज की वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।